नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर में एक बार फिर से। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारी ये वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं वो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं दोस्तों, मैं भी एक यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बना तो नहीं हूँ बट स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं भी एक यूट्यूबर बन जाऊँ। उसके लिए दोस्तों जब भी कोई यूट्यूब पर कोई चैनल बनाता है या कुछ स्टडी मटेरियल डाल रहा है या बिजनेस पर्पज से डाल रहा है, किसी भी में वो YouTube पे अगर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है दोस्तों, तो उसको एक नॉर्मल सेटअप की एक जरूरत होती है, जो कि मिनिमम अगर देखा जाए दोस्तों तो एक मोबाइल फोन जरूरी है और एक माइक जरूरी होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने बोया माइक का नाम सुना होगा, बोया जो माइक में सबसे नंबर वन पे अभी चल रहा है, और उसको नंबर वन पे चलने का रीजन यह है दोस्तों कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसका वायर रेंज बहुत हाई है और वो बहुत मतलब टिकाऊ कह सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा माइक है। उसमें थोड़ा वॉइस कैंसिलेशन भी है और अदर माइक फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उसका माइक का जो क्वालिटी है वो थोड़ा बेस्ट है, और रेंज के देखा जाए जिस रेंज में बोया अपने सर्विस को प्रोवाइड करता है शायद ही उस रेंज में कोई अदर ब्रांड प्रोवाइड कर पाएगा दोस्तों। ओके, तो हम लोग आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों बोया का। एक मार्केट में नया माइक आया है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बोया का सिर्फ माइक देखा होगा, जो कि नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक बोया का माइक लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैं इसी से यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाता हूं, बट दोस्तों मैंने इसको भी अपग्रेड कर डाला, अब बोया का एक नया माइक आया है जिसमें आप माइक के साथ साथ हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप रिकॉर्डिंग मोड में हैं तो आपको बार बार अपने बोया माइक के 3.5 mm जैक को बार बार प्लग अनप्लग करने की जरूरत नहीं है। उसी में एक 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट का एक जैक दिया हुआ है, जिसमें आप अपने हेडफोन या किसी भी डिवाइस जो स्पीकर वगैरह किसी भी होम थिएटर को कनेक्ट करके आप डायरेक्टली बिना अपने माइक के पिन को फोन या कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप से निकाले बगैर आप उसके ऑडियो को सुन सकते हैं और दोबारा फिर वापस से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी के अनबॉक्सिंग को लेकर हम लाए हैं और चलते हैं, ज्यादा आपका समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है वो बोया का माइक जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और ये मैंने अमेजन से परचेज किया है दोस्तों। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी बने रहिए हमारे इस वीडियो में और पूरे अनबॉक्सिंग को देखिए, और इस चलिए इसके स्पेसिफिकेशन को समझते हैं कि आखिरकार इसमें क्या फैसिलिटी है जो कि बोया के अदर ब्रांड से इसको अलग बनाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं किसी साइड से अनबॉक्सिंग, एंड ये साइड मेरे को थोड़ा ईजी लग रहा है, मैं इधर से इसको कट करता हूँ। एंड दोस्तों सबसे ऊपर है आपका बिलिंग देख सकते हैं, एंड बिलिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में दिखाया जा रहा है 1549, मतलब 1600 रुपये का ये माइक है, आपको देख सकते हैं 1549 का माइक है, ठीक है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा इस रेंज में देता है। एंड दोस्तों फाइनली हम इस प्रोडक्ट को करते हैं बाहर एंड इस पैकेजिंग को करते हैं साइड, इसका तो कोई काम नहीं है, और ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा देख सकते हैं आपके सामने है। एंड इसको अभी निकालने के बाद मैं देखने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या अलग चीज़ है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है खास, बस नॉर्मल ब्रांडिंग वगैरह है। एंड चलिए डायरेक्ट इसको अनबॉक्सिंग करके ही देखते हैं कि आखिरकार इसमें कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे करते हैं दोस्तों, इसको निकालने के बाद देखिए फाइनली प्रोडक्ट मेरे को दिख गया। एंड मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूँ, एंड इसमें और कुछ है क्या दोस्तों, अच्छा ये यूज़र मैनुअल है, एंड एक चीज़ और कुछ दिख रहा है मेरे को, ये वारंटी कार्ड है दोस्तों, ये वारंटी कार्ड है आपका 1 ईयर का, एंड ये यूज़र मैनुअल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कैसे करना है यूज़, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, मेंशन होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं यूज़र मैनुअल को अनबॉक्सिंग के समय बोलते हैं ये कोई काम का चीज़ नहीं, इसको साइड में रख देते हैं, बट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि क्या यूज़ कैसे करना है नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप अपने यूज़र मैनुअल को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब हम रखते हैं साइड में, ठीक है। एंड दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हमारा यह प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, एंड इसको ये बहुत अच्छा मेरे को ये लगता है क्या कि इसको कैरी करने में बहुत ईजी होता है। ये ऑप्शन देने का मतलब बोया में ही ये चीज़ मैंने देखा है, बहुत अच्छा ये ऑप्शन देता है। बट दोस्तों एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, मैं बोया का इसके पहले यूज़ कर चुका था, ये जो देख रहे हैं 1 ईयर बाद ये जो है ना ये बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब ये सारा उड़ जाता है यहाँ से बोले तो, ये जो क्वालिटी
क्वालिटी है उसको थोड़ा और बेस्ट इंप्रूव करना चाहिए था बोया को, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों इसको आप नॉर्मली इस तरह से ऐसे इसका मुंह ऐसे होल्ड डाउन करके, और आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं या किसी चीज में रख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, अन्यथा ऐसे भी खुला भी रह सकता है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक अ पोटली बोलते हैं, पुराने जमाने में लोग ऐसे पैसे रखने के लिए अपना यूज करते थे, वैसे ही पोटली बना दिया है, ठीक है, ट्रेंडिंग चल रहा है दोस्तों। तो चलिए अब निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को और देखते हैं फाइनली ये उस माइक से क्यों अलग है और डिफरेंट है। तो इसमें दोस्तों मेरे को कुछ चीज मिल गई, थोड़ा मैं पहले इसको देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों आपका एक फिल्टर हो गया, और ये कहाँ चला गया, ओके दोस्तों वो थोड़ा हवा की वजह से चला गया, कोई ना। ये है दोस्तों माउंट क्लिप जिसको हम लोग कॉलर में लगाते हैं, देख सकते हैं। एंड ये है दोस्तों इसका एक्सटेंशन जो कि एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। अगर आप इस माइक को चाहें तो शादी विवाह में जो आपके घर में बड़े बड़े बाजे लगते हैं, डीजे वाले बाजे लगते हैं, और उसमें जिस माइक का यूज किया जाता है दोस्तों, तो आप नॉर्मली इसको ऐसे होल्ड डाउन करके इस तरह से इसमें पिन में लगा के, और आप उस बाजा में यूज करके इसके लॉन्ग वायर का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, और इसका जो आवाज़ का क्लियरिटी होगा वो उस डेकोरेशन वाले माइक से बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है बोया ने, जो कि अदर ब्रांड में ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एंड दोस्तों फाइनली देखते हैं इसका जो वायर है वो काफी लंबा है, इसी वजह से बोया बिकने वाला सबसे ज्यादा माइक है। यहां पे देख सकते हैं बोया की ब्रांडिंग है, एंड यहां पे लिखा हुआ है बाय M1 प्रो, ठीक है दोस्तों। पहले M1 आता था, अब इसमें प्रो कर दिया। प्रो करने का मतलब क्या दोस्तों, इसमें यहां देखिए प्रो करने का मतलब ये है दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा था कि सिर्फ ये आउटपुट ही देता था, मतलब सिर्फ ये माइक रिकॉर्डिंग के ही काम में आता था। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे एक हेडफोन का लोगो बना हुआ है, मतलब क्या कि अगर हम इसके जरिए, इसको तो हम पीसी या मोबाइल किसी चीज में यूज करते हैं, अगर हम पीसी या कैमरा में यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो ये ऊपर वाला मोड हमको क्या ऑन करना पड़ता है, ऐसे ऑन कर देते हैं, तो ये पीसी और कैमरा मोड में ऑन होता है, और नीचे करने के बाद दोस्तों स्मार्टफोन में यूज करते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। एंड दोस्तों फाइनली जब इसको हम अपने डिवाइस में पुट करते हैं, ठीक है, तो अभी तक बोया क्या करता था कि जो आप बात यहां से बोल रहे हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग आपके डिवाइस को पहुंचाता था। अब रिकॉर्डिंग को देखने के लिए, सुनने के लिए दोस्तों हम नॉर्मली क्या करते थे कि हम इसके हेडफोन को फिर उस डिवाइस में से निकाल के प्लग इन आउट करके, और फिर अपने आवाज को रिकॉर्डिंग को सुनते थे। उसके बाद हम फिर से अगर कुछ मिस्टेक लगता था तो हम फाइनली फिर से बनाते थे। अब बोया ने क्या किया, डायरेक्ट आप इसमें हेडफोन या स्पीकर या होम थिएटर ऐड कीजिए, लगाइए, और फाइनली आप यहीं से सुन सकते हैं, आपको यह निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसी फीचर्स की वजह से इसमें प्रो लगा के इसको एडवांस फीचर देके और ये क्या कर दिया गया, बना दिया गया। अब यहां पे थोड़ा नॉइस कैंसलेशन भी देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे इसको हम नीचे कर देते हैं, अब इसमें नॉइस कैंसलेशन भी बहुत अच्छा कर दिया है पहले वाले के अकॉर्डिंग। अभी तक तो मैंने चेक नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू रेटिंग मैं बता रहा हूं। चेक करने के बाद दोस्तों मैं एक बार आपसे जरूर शेयर करूंगा कि इसका फीडबैक क्या होना चाहिए, ओके। एंड थोड़ा सा इसको अब ओपन करके देखते हैं, यहां से देखिए ओपन करने का एक सिस्टम है दोस्तों। नॉर्मली हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर जो बैटरी है ये देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, बट दोस्तों देख सकते हैं अभी इसके बैटरी में एक सील लगा हुआ है, ठीक है। मींस क्या, जैसे हम इसको यहां से निकालते हैं ये काम करना शुरू कर देगा, ओके दोस्तों। तो चलिए अब इसको हम जैसे था वैसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये अनबॉक्सिंग हमारी अच्छी लगी होंगी, और आशा करता हूं कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से कर लें इस तरह की वीडियोस। और आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको डीसीए और डीसीए टैली के क्लास भी करवाए जाते हैं, और ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियो भी बताए जाते हैं, जैसे वर्ड का, टैली का, डीसीए का, मतलब जितने भी टॉपिक्स का बताए जाते हैं दोस्तों। तो जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ एक फैमिली मेंबर की तरह। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।